वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, बिग बॉस ओटीटी, जी हाँ, जहाँ पर बिग बॉस ने एक ऐसा समय लाकर पब्लिक के सामने, फैंस के सामने भी खड़ा कर दिया है, जहाँ पर फैंस ये चूज ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसको छोड़ पाएंगे। जी हाँ, एलिमिनेशन का समय आ गया है। विशाल, शिवानी और कटारिया तीनों नॉमिनेटेड हैं। तीनों ने एक टास्क भी किया जिसमें कुछ बातें सामने आई। अब ऐसे में एक शब्द था जो अब तक कटारिया ने नहीं बताया था, वो बता दिया, भाग्यशाली भैया। जी हाँ, ये तो कोई भी किसी को कह देता है कि आप बड़े किस्मत वाले हैं। अब इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन अरमान तो ठहरे अरमान। जी हाँ, किस चीज़ के बारे में हम कह रहे हैं, आप जानते ही हैं। भाग्यशाली कोई किसी को कहता है, लेकिन उसके बाद जो है अरमान का रिएक्शन था वो बड़ा ही अजीब था। अरमान ने कहा, गंदी नज़र वाला जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, ब्ला ब्ला ब्ला। जी हाँ, बहुत सारी बातें, लेकिन यहाँ पर जो है विशाल के फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए हैं। होना बनता भी है, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ जब अरमान ने बहुत गलत बिहेव जो है किया विशाल के साथ। अब तो हद तब हो गई जब अरमान मलिक ने बाप बाप करके विशाल के पिताजी को जो है काफ़ी सारी अभद्र बातें कही और काफ़ी अभद्र जो है व्यवहार किया। लेकिन ऐसे में बड़ी बात यह है कि जहाँ पर अरमान मलिक ये कहते हैं कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, तो क्या कोई अरमान मलिक को बताएगा कि ये कहने के जो है दावेदार तो आप बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि आपने तो थाली भी रख ली, थाली से चम्मच भी पैदा करवा लिए और थाली कभी वापस ही नहीं दी। तो भाई, आपका ये तो कहना बिल्कुल भी नहीं बनता है, और वो भी विशाल को, जिसके कैरेक्टर पे ऐसे कोई दाग है भी नहीं। बहुत समय से विशाल इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत समय से काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सर, आप अपने आप को देखिए, अगर एक बार झांकने की कोशिश करेंगे अपने गिरेबान में, तो आपको एक नहीं और भी थालियां नज़र आएंगी, कुछ चम्मच नज़र आएंगे और बहुत सारे छेद भी नज़र आएंगे जो आप में खुद हैं। जी हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, अरमान ने जो कहा वो कितना सही आपको लगता है या कितना गलत, कॉमेंट में ज़रूर बताएगा। टिल देन, बाय बाय।